नमस्कार, वीकेवी न्यूज के सुबह के प्राइम टाइम में आपका स्वागत है। अब रुक करते हैं आज के हेडलाइंस पर। राज्य में महिला कैदियों के लिए चलाया जाएगा मिशन मुक्ति, महिला व बाल कल्याण मंत्री यशोमती ठाकुर ने दी जानकारी। नागपुर शहर में होगा होर्डिंग्स का सर्वेक्षण, मनपा की आय बढ़ाने के लिए होगा सर्वे, स्थायी समिति सभापति प्रकाश भोयर की जानकारी। और 18 अक्टूबर को तय होगा शीत सत्र का भविष्य, विधान भवन सचिव करेंगे तैयारी की समीक्षा। और अब खबरें विस्तार से। महाराष्ट्र में अब महिला कैदी की मुक्ति के लिए मिशन मुक्ति अभियान राज्य की महिला व बाल कल्याण विभाग द्वारा चलाया जाने वाला है, जिसकी जानकारी महिला व बाल कल्याण मंत्री यशोमती ठाकुर ने दी। ज्ञात हो कि राज्य भर के कारागृह में ऐसे कई महिला कैदी हैं जो परिस्थिति का शिकार होकर जेल पहुंच गए हैं, जिनमें से कुछ छोटी मोटी गलतियों के कारण आज भी जेल में फंसे हुए हैं। उन महिला कैदियों को जमानत कैसे मिले, उस पर क्या करना चाहिए, कैसा अर्ज किया जाए, इस बात पर अधूरा ज्ञान होने और कुछ तकनीकी कमियों के चलते महिलाएं सजा काट रही है। इस मामले को गंभीरता से लेते हुए राज्य के महिला व बाल कल्याण विभाग मिशन मुक्ति चलाने वाला है, जिसकी जानकारी महिला व बाल कल्याण मंत्री यशोमती ठाकुर ने दी। जो महिला काही शिल्लक कारणांवरनं जेलमध्ये आहेत आणि ज्यांना ज्यांची बेल घ्यायला लोक नाही आहेत, ज्यांचे काही पैशांमुळे बेल मिळत नाही आहेत, अशा भरपूर महिला जेलमध्ये काही 4 वर्ष, काही 8 वर्ष, काही 15 वर्ष आहेत, तर त्याच्यासाठी आम्ही महिला व बाल कल्याण मंत्रालयाच्या अंतर्गत आम्ही एक योजना काढतो आहे, मिशन काढतो आहे। त्या मिशनचं नाव आम्ही मिशन मुक्ता असं ठेवलेलं आहे। त्याला आम्ही लॉ अँड ज्युडिशरीची जी सगळी मंडळी आहे, डालसा मालसाची जी मंडळी आहे आणि आमचं WCDचं जे कमिशनरेट आहे त्यांना आम्ही सोबत घेतो आहे आणि ज्या ठिकाणी आम्हाला महिला आयोगाचं इंटरव्हेन्शन लागेल त्या ठिकाणी आम्ही ते देखील करू आणि मोठ्या प्रमाणामध्ये या मिशन मुक्तामुळे माझ्या बहिणींना माझ्या आयांना त्या ठिकाणी मुक्ती मिळेल अशी अपेक्षा आहे। नागपुर महानगरपालिका प्रशासन ने निजी व खुद की मालिकी के स्थायी होर्डिंग्स का सर्वेक्षण कराने का निर्णय लिया है। सर्वेक्षण के माध्यम से अवैध होर्डिंग्स का भी पता लगाने में मदद मिलेगी। इसके लिए मनपा द्वारा कुछ दिनों पहले निविदा निकाली गई, जिसमें 3 निविदा पात्र आए। इनमें से एक ने 92,50,000 रुपए में सर्वेक्षण करने की तैयारी दर्शाई है। सर्वेक्षण के बाद मनपा की आय में बढ़ोतरी के आसार जताए जा रहे हैं। इसके लिए सर्वेक्षण कराने का निर्णय स्थायी समिति ने लिया है। मंगलवार को आयोजित स्थायी समिति की बैठक में संबंधित प्रस्ताव को मंजूरी मिल गई है। शहर में मनपा के लगभग 250 बड़े होर्डिंग्स हैं, पर अवैध तरीके से भी ढेरों होर्डिंग्स लगे हुए हैं। उसमें मनपा को कोई कमाई नहीं हो रही। सर्वेक्षण के बाद मनपा विज्ञापन विभाग खुद की कमाई भी बढ़ा सकता है। करीब 67 लाख कराए जमा लौटाने होंगे। करीब 3 करोड़ वर्ष 2002 से लेकर 2010 के बीच मनपा की जगह पर विज्ञापन लगाने के लिए और वर्ष 2007 से 2017 के बीच वाहनों पर विज्ञापन लगाने की निविदा निकाली गई। होर्डिंग च्या बाबतीत बरेच अवैध होर्डिंग आहे, त्याचे अनेक तक्रारी आमच्यापर्यंत आल्या आणि म्हणूनच ते सॅटेलाइटच्या माध्यमातून आणि ते ऑनलाईनच्या माध्यमातून ते आम्ही त्यांच्यावर वॉच ठेवू आणि जितके राहतील ते आम्हाला ताबडतोब दिसतील आणि त्यांना ऑनलाईनच्याच माध्यमातून आम्ही त्यांना त्यांचे जे त्यांना पैसे द्यावे लागतात ते पैसेसुद्धा आम्ही ऑनलाईनच देऊ। त्यामुळे यामध्ये चोरी होणार नाही, पण झाली तरी ते रोखण्याचा प्रयत्न करू आणि जे आता अवैध होर्डिंग आहे त्याची मोजणी होईल आणि परफेक्ट किती होर्डिंग्स आपल्या नागपूर शहरात आहे। आज 151च होर्डिंगचे पैसे आम्हाला मिळतात आहे, पण ते 20 वर्ष आधीपासून असं कोणताही सर्वे झालेला नाही। आता नवीन मनीष नगरचा एरिया झाला आहे, होडकेश्वर नरसाळा हा भाग आलेला आहे, या भागातील होर्डिंग्स आहेत पण ते काउंट नाही। आता या गोष्टीमुळे आणि सर्वेमुळे ते काउंट होतील आणि कॉर्पोरेशनचं उत्पन्न वाढेल। आता जवळपास ते 7-7.5 करोड रुपयाचे आमच्या डिमांड्स असतात, पण ते 7.5 करोडपर्यंत येतात
पण यानंतर मात्र जर परफेक्ट जर आमच्या 300-300 गेल्या तर कदाचित ते डबलही आमचं उत्पन्न होऊ शकेल. सैनिटाइजर फिनाइल व सौंदर्य प्रसाधन के लिए इस्तेमाल होने वाले डी नेचर्ड स्पिरिट से नागपुर में देसी शराब बनाकर राज्य के कई हिस्सों में भेजने का मामला उजागर हुआ है. स्टेट एक्साइज नागपुर ने इस मामले का भंडाफोड़ करते हुए 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है. इस मामले के उजागर होने के बाद से स्पिरिट की खरीदी बिक्री करने वाले डीलरों में हड़कंप मच गया है. स्पिरिट से देसी शराब बनाने का मामला संभवतः नागपुर में पहली बार सामने आया है. विभाग ने पूरी कार्रवाई को बेहद गुप्त रखा है. स्टेट एक्साइज नागपुर ने गुप्त सूचना के आधार पर खापरखेड़ा के चनकापुर में छापा मारकर नकली देसी शराब बनाने वाले कारखाने पर छापा मारा. सैनिटाइज व फिनाइल बनाने के लिए उपयोग में लाए जाने वाले डी नेचर्ड स्पिरिट से देसी शराब बनाई जा रही थी. 210 लीटर स्पिरिट, 375 बॉटल नकली देसी शराब, कैंपिंग मशीन, हाइड्रोलिक्स बॉटलिंग मशीन, 2 दुपहिया व 2 चार पहिया वाहन समेत 14,38,294 रुपए का माल जब्त किया. विभाग ने इस मामले में कारखाने के मालिक मिथुन महादेव शाह व काम करने वाले विशाल शंभू मंडल, दोनों सिल्लेवाड़ा निवासी को गिरफ्तार किया. हिरासत के दौरान आरोपियों ने बताया कि नासिक के इंद्रनील अरुण कुमार बैनर्जी से ये स्पिरिट खरीद कर नकली देसी शराब बनाई जाती है. विभाग ने नासिक जाकर इंद्रनील बैनर्जी को गिरफ्तार किया. इंद्रनील के पास स्पिरिट खरीदी बिक्री का लाइसेंस है, लेकिन इसका इस्तेमाल सैनिटाइजर या सौंदर्य प्रसाधन सामग्री में ही होना चाहिए. स्पिरिट को नागपुर तक लाने वाले ट्रांसपोर्टर चंद्रकांत सुदाम कासा पंचवटी नासिक को भी गिरफ्तार कर नागपुर लाया. हिरासत में पूछताछ के दौरान इंद्रनील ने इंदापुर पुणे के गोल्ड फर्म से इसकी खरीदी करने की जानकारी दी. विभाग ने इंदापुर जाकर गोल्ड फर्म के संचालक अविनाश पवार को गिरफ्तार किया. आरोपी अविनाश के पास स्पिरिट के इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का लाइसेंस है, लेकिन जिस उद्देश्य के लिए लाइसेंस जारी हुआ उसका उल्लंघन होने के कारण विभाग ने उसे गिरफ्तार किया. नागपुर में विधानमंडल का शीत सत्र 2 वर्ष के अंतराल के बाद 7 दिसंबर से नागपुर में होगा. मॉनसून सत्र में इसके ऐलान के बाद एवं हालात के काबू होने के बाद सत्र के नागपुर में ही होने की चर्चा है. विधानमंडल सचिव राजेंद्र भागवत भी 18 अक्टूबर को नागपुर पहुंचकर विधानमंडल में होने वाली बैठक में तैयारी की समीक्षा करेंगे. सूत्रों का कहना है कि भागवत बैठक के बाद रिपोर्ट राज्य सरकार को देंगे. इसके आधार पर यह तय होगा कि नागपुर में सत्र होगा कि नहीं. 18 अक्टूबर को होने वाली इस बैठक में विभागीय आयुक्त, जिला अधिकारी, पुलिस आयुक्त, मनपा आयुक्त, सार्वजनिक निर्माण विभाग के अधिकारी भी मौजूद रहेंगे. ज्ञात हो कि दिसंबर 2019 में नागपुर शीत सत्र हुआ था. कोविड संक्रमण के कारण सभी सत्र मुंबई में हुए. इस वर्ष भी बजट एवं मॉनसून सत्र वही हुए. नागपुर करार के अनुसार वर्ष में एक सत्र नागपुर में होना अनिवार्य है. सूत्रों का कहना है कि सरकार नागपुर में सत्र कराने के पक्ष में है, लेकिन तैयारी को देखते हुए अंतिम फैसला लिया जाएगा. अमरावती के बडनेरा के विधायक रवि राणा पर विधानसभा चुनाव में 28 लाख से अधिक का खर्चा करने का आरोप जिले के शिवसेना प्रमुख सुनील खराटे ने लगाया है, जिसके तहत रवि राणा का विधायक पद खारिज किया जाए ऐसी याचिका नागपुर न्यायालय में की गई, जिस पर जवाब देते हुए विधायक रवि राणा ने कहा है कि उन्हें अब तक कोई नोटिस नहीं आया, जबकि उन पर लगाए गए सारे आरोप निराधार होने की बात रवि राणा ने कही है. याचिकेमध्ये आनंदराव अडसूळ आणि यांचे पिलांटू जे शिवसेनेचे, ज्यांनी शिवसेनेची शिवभोजन थाली जी आहे ज्याच्यामध्ये शिवभोजन थालीचं बोर्ड तर लावलंच, पण थाली गोरगरिबांची खाऊन टाकली. त्याच्यामध्ये एकही थाली गोरगरिबांना शिवभोजन थालीची त्यांनी मिळून दिली नाही. अशा याचिकाकर्ता त्यांनी हायकोर्टामध्ये जे माझं इलेक्शन पिटिशन दाखल केलं आणि त्याच्यावर हायकोर्टाने सांगितलं इलेक्शन आयोगाकडनं माहिती मागितली, आणि त्या माहितीची मला अजूनपर्यंत इलेक्शन आयोगाची गेल्या 2 वर्षामध्ये एकसुद्धा नोटीस आली नाही. नोटीस आल्यानंतर मी त्याचा जबाब पूर्ण कायदेशीर दिली. खर्चाचा हिशोब ऑलरेडी आम्ही दिलेला आहे, आणि जो इलेक्शनचा जो प्रशासक इथे येतो त्यांनी ज्या पद्धतीनं इलेक्शन केलं होतं की मी एका सार्वजनिक प्रोग्राममध्ये गेलो आणि त्याचा खर्चसुद्धा माझ्यावर लागला, त्याच्यामुळं माझ्या खर्चाचं त्यांनी जे टोटल मारले ते जास्त मारले, पण ते चुकीची आहे. आणि त्याचं स्पष्टीकरण पूर्ण मी हायकोर्टालासुद्धा देणार आहे,
इलेक्शन आयोगाला सुद्धा देणार आहे, पण कुठल्याही प्रकारची मला नोटीस आली नाही आहे, कुठल्याही प्रकारचं मला विचारणा झाली नाही आहे. जेव्हा विचारणा होईल कायदेशीर मी त्याचा जबाब देणार आहे. त्याच्यामध्ये कुठेही इलेक्शन आयोगाचं उल्लंघन करून मी इलेक्शन लढलो नाही आहे. पूर्ण इलेक्शनच्या कायद्यामध्ये जे नियमानुसार आहे त्याप्रमाणेच मी इलेक्शन लढलो, आणि त्या पद्धतीनं मी माझ्या खर्चाचा हिशोब दिला. आणि आज अनिल परब जे आहे ते जरूर शिवसेनेचे वकील आहे आणि आज परिवहन मंत्री आहे, पण त्यांनी वकिली सोडली तरी ती माझ्या प्रकरणामध्ये जाणून बुजून अनिल परब पूर्ण वकिली कानून कायदे हे अडसुळांना सलामसुला देत आहे. आणि कुठेतरी अनिल परब हे अडसुळांचे वकील आहे आणि त्यांच्या माध्यमातून हे कटकस्थान चालू आहे. याच्यावर मी जे काही कायदेशीर आहे ते पूर्ण मी त्याला उत्तर देणार आहे. वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं एक ब्रेक के बाद. लव यू दीपिका, बाय. सब जानना चाहते हैं मेरा फेवरेट कलर, मेरा फेवरेट डेस्टिनेशन, मेरी फेवरेट डिश, पर कोई ये नहीं पूछता कि फेवरेट डिश मैं बनाती कैसे हूँ. अरे यार, जिसे टेस्टी खाना पसंद है वो अच्छे टेस्ट तक पहुँच ही जाता है. सुरुचि मसाले, खाने में हो रुचि तो घर लाइए सुरुचि. अपने सपनों की उड़ान भरने की इच्छा तो हर किसी की होती है, पर पंख भी तो मजबूत होने चाहिए. Flywheel Aviation Academy एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जहाँ पर एयरलाइंस एंड एयरपोर्ट हॉस्पिटैलिटी और टूरिज्म मैनेजमेंट, साथ ही यहाँ कैंपस इंटरव्यू, गाइडेंस बाय इंडस्ट्री एक्सपर्ट, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग एट एयरपोर्ट, एक्सपर्ट फैकल्टी, पर्सनल ग्रूमिंग जैसे कई सारे बेनिफिट्स आप पा सकते हैं. Flywheel Aviation Academy, 1 degree 3 job opportunities. Flywheel Aviation Academy gives you a degree or diploma with a job. Flywheel Aviation Academy, 365 Gandhinagar, LAD College Square, beside Karnataka बैंक नागपुर. ब्रेक के बाद आपका स्वागत है. नागपुर महानगर पालिका के गांधीबाग जोन द्वारा मंगलवार को मिशन साहसी चलाया गया. इस दौरान विपरीत परिस्थितियों में महिलाएं किस तरह खुद की रक्षा कर सकती है इसका प्रशिक्षण महिलाओं को दिया गया. ज्ञात हो कि महिलाओं की सुरक्षा का मुद्दा एक जटिल सवाल बन चुका है, जहां आए दिन महिला अत्याचार जैसी घटनाएं सुनाई देती है. इन परिस्थितियों को देखते हुए नागपुर महानगर पालिका स्थित गांधीबाग जोन की महिला कर्मचारी को खुद की सुरक्षा किस तरह की जाए इस पर मिशन साहसी के तहत सुनीता मौदेकर द्वारा प्रशिक्षण दिया गया. इस दौरान उप महापौर मनीषा धावड़े की उपस्थिति रही. उन्होंने कहा कि महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए उनके सुरक्षा का सवाल सर्वप्रथम आता है, जहां छोटी छोटी चीजों से महिलाएं अपनी आत्मरक्षा खुद कर सकती है. मिशन साहसी का आभार व्यक्त करते हुए उप महापौर ने महिलाओं का आत्मविश्वास इस प्रशिक्षण के माध्यम से बढ़ेगा ऐसी भावनाएं व्यक्त की. आज गांधीबाग जोन मध्ये ज्या महिला प्रशासनाच्या ऍडमिनिस्ट्रेशन मध्ये काम करतात, 12 तास काम होतं त्यांचं, सकाळी उठल्यापासून तर रात्री झोपेपर्यंत सतत काम करत असतात, तर त्यांना कुठेतरी रिलॅक्सेशन मिळावं या दृष्टीने आणि रोज धकाधकीच्या जीवनात स्वतःची सुरक्षा कशा पद्धतीने करावी या दृष्टीने आज नवरात्राच्या या शुभपर्वावर गांधीबाग झोनमध्ये काम करणाऱ्या महिलांचं एकत्रीकरण करण्यात आलं. त्या कार्यक्रमाला मुख्य म्हणजे प्राणायाम जो शिकवला तो संगीता ताई लँडुरीने शिकवला, पण आत्मसुरक्षा स्वतःची सुरक्षा करण्यासाठी माझ्याजवळ काहीच नाही असं म्हणण्यापेक्षा माझ्याजवळ पेन आहे, माझ्याजवळ माझं आयकार्ड आहे, माझ्याजवळ ब्रासलेट आहे, मी घातलेल्या बांगड्या आहेत, मी घातलेले काळातले आहेत, त्याच्यावरनं मी कसं काय अटॅक करू शकते, तर ते सगळ्या ट्रिक्स आज साहसी गर्ल सुनीता मौंडेकरनी इथे सादर केल्या. आणि त्यांना आम्ही हे पण सांगितलं की तुम्ही तुमच्या जवळपास असणाऱ्या सगळ्या 10 वर्षानंतरच्या सगळ्या मुलींना, 10 वर्ष कशाला, 5 वर्षापासूनच्या सगळ्या मुलींना त्यांनी सांगावं की तुझ्याजवळ जे जे आहे त्याच्या याच्यावर माझ्याजवळ काही नाही असं म्हणण्यापेक्षा माझ्याजवळ जे आहे त्याचा वापर करून मी माझी आत्मसुरक्षा कशा पद्धतीने करेल, मी स्वतः दुर्गा म्हणून कशी स्थापित होऊ शकेल, त्यासाठी आज छोटंसं एकत्रीकरण गांधीबाग झोनमध्ये, मी गांधीबाग झोनमध्ये ज्या महिला कार्यरत आहेत त्यांचं आज इथे घेण्यात आलं. आणि मुख्य म्हणजे सगळ्या महिला कर्मचाऱ्यांनी इथे चांगली साथ दिली आणि स्वतः सगळे प्रात्यक्षिक करून घेतले, आणि म्हणून त्यांचंही मी आभार व्यक्त करते आणि आजचा कार्यक्रम इथे संपन्न झाला आहे जाहीर करते.
दुनिया भर में कोहरम मचाने के बाद भले ही कोरोना का वायरस शांत हो गया है, लेकिन कोरोना ने लोगों को जीवन भर नहीं भर पाने वाले जख्म दिए हैं। किसी की गृहस्थी उजड़ गई तो कई बच्चे अनाथ हो गए, कई बूढ़े माँ बाप सड़कों पर आ गए, कई महिलाएं विधवा हो गई। अकेले नागपुर जिले में 2031 बच्चों ने अपने माँ पिता को खो दिया है। इन बच्चों के कोरोना जीवन के अंत तक किसी विलन की तरह बना रहेगा। महिला व बाल कल्याण विभाग से मिली जानकारी के अनुसार नागपुर जिले में 2031 बच्चे ऐसे हैं जिनके मां और पिता की कोरोना से मौत हो गई। यह सभी बच्चे 18 वर्ष तक की उम्र के हैं। वही 930 महिलाओं का सुहाग उजड़ गया है। इनमें युवा अवस्था वाली महिलाएं अधिक है। हालांकि अब नागपुर जिले में कोरोना शांत हो गया है, लेकिन भविष्य को लेकर लोगों के मन में डर और संदेह अब भी बना हुआ है। जबकि डॉक्टरों का कहना है कि अब अप्रैल और मई जैसे हालात नहीं बनेंगे। इसकी मुख्य वजह अधिकाधिक लोगों को वैक्सीन लगना है। सरकार ने अनाथ हुए बच्चों के लिए आर्थिक मदद की योजना लागू तो की है, लेकिन प्रत्यक्ष रूप से लाभ मिलता दिखाई नहीं दे रहा है। वैसे भी पैसे माँ और पिता की भरपाई नहीं कर पाएंगे। इन बच्चों के लिए और विधवा होने वाली महिलाओं के लिए कोरोना वायरस जीवन भर किलर विलेन की तरह बना रहेगा। कोरोना काल में एसटी महामंडल को करोड़ों का नुकसान सहन करना पड़ा। नुकसान की भरपाई अब भी पटरी पर नहीं लौटी है। यही वजह रही कि मंगलवार को गणेशपेट स्थित एसटी महामंडल में करीब 2 घंटे के लिए बसें जाम हो गई। इसकी वजह रही डीजल के स्टॉक का खत्म हो जाना। बसें बंद होने से यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ा। कोरोना के कारण एसटी महामंडल की हालत खस्ता हो गई है। हालांकि कोरोना का प्रभाव कम होने के बाद लगभग सभी रूट की बसें शुरू हो गई है, लेकिन अब भी फेरियों की संख्या कम है। स्कूल और कॉलेज भी पूरी तरह से शुरू नहीं हो सके हैं। वर्तमान में जो स्थिति है उसमें सुधार होने में और वक्त लग सकता है। आर्थिक खस्ता हालत का उदाहरण मंगलवार को भी देखने को मिला। गणेशपेट स्थित एसटी महामंडल के परिसर में लगे पंप पर डीजल ही खत्म हो गया था। समय पर आपूर्ति नहीं किए जाने के कारण बसों को डीजल नहीं मिल सका। इस वजह से लंबी दूरी की सभी बसें रोक दी गई। केवल नागपुर जिले में जाने वाली बसें ही शुरू थी। बसों की देरी का कारण यात्रियों को भी समझ नहीं आया। काफी प्रतीक्षा करनी पड़ी। करीब 2 घंटे के बाद डीजल की आपूर्ति होने के बाद बसें रवाना हुई, लेकिन तब तक कई यात्री परेशान होकर ट्रैवल्स बसों की ओर रवाना हो चुके थे। बताया जाता है कि एसटी महामंडल की आर्थिक हालत खराब हो गई है। वन्य जीवों की सुरक्षा और संवर्धन के लिए व्यापक उपाय योजना सुझाने वाले राज्य वन्य जीव कृति प्रारूप को मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की अध्यक्षता में हुई बैठक में मान्यता दी गई। यह प्रारूप अगले 10 वर्ष यानी 2021 से 2030 के लिए तैयार किया गया है। प्रारूप तैयार करने वाला महाराष्ट्र देश का पहला राज्य बन गया है। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने प्रारूप का योग्य तरीके से कार्यान्वयन करने के निर्देश दिए। मंगलवार को मुंबई स्थित सह्याद्री अतिथि गृह में बैठक आयोजित की गई। इसमें पर्यावरण मंत्री आदित्य ठाकरे, विधानसभा सदस्य धीरज देशमुख, मुख्य सचिव सीताराम कुटे, मुख्यमंत्री के अपर मुख्य सचिव आशीष कुमार सिंह, प्रधान सचिव विकास खारगे, वन विभाग के प्रधान सचिव वेणुगोपाल रेड्डी सहित अन्य आला अधिकारी मौजूद थे। मुख्यमंत्री ने राज्य में वन विभाग में त्वरित कृति दल की स्थापना करने और अतिरिक्त पद निर्माण करने का प्रस्ताव शासन को विचारार्थ भेजने के निर्देश दिए। राज्य वन्य जीव कृति प्रारूप में 12 प्रकरण शामिल है। इसमें दुर्लभ प्रजाति का संवर्धन, शिकार और वन्य जीवों के अवैध व्यापार पर नियंत्रण, मानव वन्य जीव संघर्ष पर उपाय योजना व बचाव कार्य आदि का समावेश है। तो वीकेबी न्यूज में सुबह के प्राइम टाइम में अब तक के लिए इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक देखते रहिए वीकेबी न्यूज। नमस्कार।